3-4 दिन पहले छोटा सा विवाद हुआ था गाड़ी का। हमने कहा कौन सी पाई था, वो थाने के थे, कुछ लोग आए थे, नाम से नहीं जान रहे, नाम नहीं चेहरा जान कमला यादव की ऐसी की तरह। सुन लीजिए, एक एक घटना तो हमने आपको दो दिन पहले, परसों दिन, जिस दिन छठ का पारण था उस दिन हमारे यहाँ से 150 लोग गए थे मेरे कार्यालय पे। अब मैंने आपको बताया, आपके इंस्पेक्टर संतोष को भी बताया, आप लोगों ने इस चीज को हल कर लिया। हमने बताया कि मेरा झंडा फूका गया लोकसभा के चुनाव में, हम नेताओं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर पथराव हुआ, 50 पत्थर हम लोग खाए, और उसके बाद हमारा वोटर लिस्ट फूका गया, हमारे कार्यकर्ताओं को, बूथ के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उसके बाद भी कार्रवाई हुई। विवेक कुमार उर्फ विक्की, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए। पूरा घटना, मुझे मैं सोया था, मुझे फोन आया था 5:00 पे। किसने फोन किया था? सचिन यादव ने, कमला यादव का लड़का। बोला चाचा कहाँ है आप? बोले बाबू मैं घर पे हूँ। कहता आप चौराहे पे आइए, आपको पापा बुला रहे हैं। हम बोले ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ। जब मैं चौराहे पे जा रहा था, उसके बाद मेरे क्या नाम शुरू गया, ये मेरे भाई साहब दिख गया, हम कि भैया चला चौराहे पे, ये घर थे अपने, इनको भी घर से उठा के ले गया। अब मुझे फ़ोन किया, मैं जैसे ही हाजिर होता देखूँ मेरे छोटे वाले भाई को, एकदम विशाल को, जी सर आप लोग के सामने हुआ है, एकदम माँ के सामने सर। मैं अब जान बचा के वहाँ से दो तीन लोग क्या करेंगे, उतने तागात में पापा लोग थे उस समय जब सर, उसकी गिनती 50 थे वहीं पे। जब हम लोग भागे वहाँ से तो हम लोग भी मारे, हम चारों भाई वहाँ से आकर नहीं भागते, एक मैं हूँ, भैया प्रधान जी मेरे, स्वयं प्रधान जी मेरे हैं, एक भाई है मेरा, हुए हम लोग चारों लोग वहाँ से जान बचा के भागे जाके उधर कोने में, तब गांव वालों को हल्ला किया, तब पूरे गांव वाले मेरे को लिया, तब तक ये मार के। सर सुबह इकट्ठे हो गए थे, इसमें क्या शासन की तरफ से आपकी तरफ से पीड़ित परिवार को मदद की जाए? थाना अली नगर अंतर्गत सिकटिया तारणपुर ग्राम है, उसमें एक युवक विशाल पासवान की हत्या की गई है और सुसंगत धाराओं में FIR भी दर्ज की गई है, साथ ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कर दी गई है। शासन की ओर से 4 लाख की तत्काल सहायता परिवार को अंतोष के रूप में दी जा रही है और इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। थाना अलीनगर में सुबह एक मर्डर की सूचना थी, जिसमें DM साहब द्वारा और मेरे द्वारा खुद जाकर निरीक्षण किया गया था। इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे कमला यादव, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जो वादी है केस के, जिनके बेटे की मृत्यु हुई है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि लगभग सुबह 3:51 पर कमला यादव द्वारा फ़ोन किया गया था, जिस कारणवर्षी उनके जो बेटे हैं वो उस जगह पर गए जहाँ पर यह घटना कारित हुई, और मौके पर कमला यादव का होना और विभिन्न लोगों द्वारा ये घटना की गई। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए SOG टीम द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया है, और बाकी जो लोग हैं उनकी भी अरेस्टिंग जल्द की जाएगी, टीम लगी हुई है, और जो बाकी विधिक कार्रवाई है इसमें वो भी जल्द खत्म की जाएंगी।